हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़ एनालिसिस। आज 31 अक्टूबर है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उससे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स को देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ये क्या होता है, किस चीज़ से संबंधित है, इसकी बात होगी। एंड CVC का ऑर्गेनाइजेशन है चीफ विजिलेंस कमीशन, इसकी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड मेगा फूड पार्क अभी रिसेंटली कौन से राज्य में इस्टेब्लिश किया गया है उसकी बात होगी। एंड करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है और ये क्या होता है, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इनलैंड वाटर वेज से जुड़ा हुआ एक न्यूज़ है, उसको भी देखेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर वेज जितने भी हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो यहाँ पे जुड़े हुए जो भी न्यूज़ होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अभी रिसेंटली लेस पॉल्यूटिंग फायर क्रैकर्स किसने डेवलप किया है, इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम क्या होता है, इसकी बात करेंगे। इससे पहले इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 15 नवंबर से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन कोर्स यानी फुल कोर्स। आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप डेली तक नहीं आ पा रहे हैं तो 5 नवंबर से हमारा पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है, तो डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कॉल करें। एंड पर्सनल गाइडेंस के बारे में जानकारी दे दूँ, एक मेंटर होते हैं जो आपको पर्सनली ट्रेन करते हैं आंसर राइटिंग के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए एंड हाउ टू डू द सेल्फ स्टडीज़। इस पर आपको बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है दिल्ली से, और अगर आप दिल्ली में हैं तो आप इंस्टीट्यूट तक आते हैं, तो डिटेल्स के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और हमारा फर्स्ट न्यूज़ है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको ऑब्जर्व किया है अभी इस वीक को, और इसमें डायरेक्शन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, और इनका एम है इरेडिकेट करप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, इरेडिकेट करप्शन, मेक अ न्यू इंडिया इनका थीम है। जाहिर सी बात है कि करप्शन को कर्व करने के लिए चीफ विजिलेंस कमिश्नर यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हेल्प से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको इनॉग्रेट किया है 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। तो ये एक वीक तक चलने वाला प्रोग्राम है, कैंपेन है, इसमें कई सारी सेमिनार्स, डिबेट, ऐसे कॉम्पिटिशन्स, ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो आप यहाँ पर मिनिस्ट्री में कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, आपको शायद ऐसा लग सकता है कि ये मिनिस्ट्री नहीं होगी, बट इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये पूरा काम हो रहा है। चीफ विजिलेंस कमीशन क्या होते हैं, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है ये, सबसे फर्स्ट थिंग आप याद रखेंगे, ये एक स्टेटरी बॉडी है जिसको कि 2003 के एक्ट से बनाया गया था, चीफ विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, वहाँ से ये पावर गेन करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसको संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था, CVC को। इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या कंपोजिशन होता है, रिमूवल कैसे होता है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो कंपोजिशन में इसमें एक चीफ विजिलेंस कमीशन होते हैं, इनके अलावा 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, एंड ये अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट, तो याद रखना है प्रेसिडेंट को ये अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं। एंड अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, लेकिन एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे, और उस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन शामिल होते हैं। तो ये कंपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। इनका टेन्योर याद रखिएगा 4 ईयर या फिर 65 ईयर, इसमें से जो भी अर्लियर होगा वो इनका टेन्योर होता है। रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इसका ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड होता है प्रूफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इस ऐसा अगर ग्राउंड होता है तभी आप इनको रिमूव कर सकते हैं, और ये रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखा CVC के बारे में, याद रखिएगा। अगला न्यूज़ है मेगा फूड पार्क। तो गुजरात में फर्स्ट मेगा फूड पार्क इनॉग्रेट किया गया है सूरत में। मेगा फूड पार्क क्या होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए, इस फूड पार्क को बनाने से ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 5,000 पर्संस को होता है, यानी कि 5,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है इससे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड इसके अलावा जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, तो 25,000 अप्रॉक्स फार्मर्स होते हैं जो इससे बेनिफिटेड होते हैं। ये फूड पार्क सबसे पहले आप याद रखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है पूरी कंट्री में। अगर आपको मिनिस्ट्री याद रखना है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जो मेगा फूड पार्क को इम्प्लीमेंट करती है, एंड इस स्कीम में लिंक किया जाता है हर एक प्लेटफॉर्म को, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस टू द मार्केट एंड फार्मर्स, प्रोसेसर्स, रिटेलर्स, तो जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है खास करके रूरल एरियाज़ में, एंड डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा जाता है फार्मर्स को, और फार्मर के इनकम को भी
इन्हांस और इंक्रीज करने की इसमें कोशिश की जाती है। तो मेगा फूड पार्क बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अभी रिसेंटली गुजरात में इसको इनॉग्रेट किया गया है। दीज फूड पार्क गिव अ मेजर बूस्ट टू द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो ये फार्मर्स को तो हेल्प पहुँचाती ही है, साथ ही साथ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें फूड वेस्टेज रिड्यूस होता है, सप्लाई चेन बढ़ता है, अलग अलग लेवल पर कनेक्टिविटी बढ़ फायदे हैं इसको आप याद रखेंगे। देन यूज़ अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, क्या होता है और कौन सी कंट्री के बीच में ये हुआ है। तो रिसेंटली इंडिया और जापान ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, और ये $75 बिलियन एग्रीमेंट के बाद इंडिया को मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबल करने में काफ़ी सहायता मिलेगी, यानी मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। एंड तो करेंसी स्वैप फर्स्टली आप समझिए कि अरेंजमेंट होता क्या है। अंडर द अरेंजमेंट इंडिया कैन एक्वायर डॉलर्स फ्रॉम जापान इन एक्सचेंज फॉर रुपीज। इंडिया रुपी के बदले जापान से डॉलर को एक्सचेंज कर सकता है, और सेम एज जापान भी येन के बदले इंडिया से डॉलर को एक्सचेंज कर सकता है। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत इनस्टेबल सिचुएशन आ जाती है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, और अगर डॉलर इंडिया में नहीं होता है तो यहाँ से फिर फॉरेन मार्केट में हमारी रुपीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। तो रुपीज़ की वैल्यू को बरकरार रखने के लिए और मार्केट में स्टेबिलिटी को लाने के लिए ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट या अरेंजमेंट जो होता है वो काफ़ी हेल्प पहुँचाता है। तो अभी रिसेंटली याद रखना है कि जापान और इंडिया के बीच में ये अरेंजमेंट साइन हुआ है और इसमें क्या क्या इसके सिग्निफिकेंसेस हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, तो याद रखिएगा। एंड द अरेंजमेंट विल बी यूज ओनली वेन रिक्वायर्ड एंड विल हेल्प मीट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच। तो अगर लिक्विडिटी मिसमैच होता है तो आप उसको कर्व करने के लिए इसका सहायता ले सकते हैं। अगला न्यूज़ है इंडियाज फर्स्ट कंटेनर मूवमेंट ऑन इनलैंड वाटरवेज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट थिंग आप याद रखें कि नेशनल वाटरवे वन कहाँ से कहाँ तक है, इसको आप जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट बोलते हैं, ये हल्दिया से वाराणसी तक है, ठीक है। और अभी इसमें रिसेंटली फर्स्ट कंटेनर का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, ट्रांसपोर्ट कंटेनर का, इस वजह से ये न्यूज़ में आया है। और इस वाटर में जितने स्टेट कवर्ड हैं वो आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये चार राज्य हैं जो कि शामिल हैं नेशनल वाटरवे वन में, ठीक है। एंड कंटेनर कार्गो ट्रांसपोर्ट कम विद सेवरल इनहेरेंट एडवांटेजेस। तो इसके इस कंटेनर के चलने के बाद, इसके मूवमेंट के बाद क्या फ़ायदे हो सकते हैं या नेशनल वाटरवेज जो बनाए जा रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है, तो आप इसको ये समझिए कि इससे फर्स्टली तो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, क्योंकि कार्बन का एमिशन इससे कम होने वाला है। एंड रिड्यूस द हैंडलिंग कॉस्ट, अलॉ कॉस्ट वगैरह भी कम होगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खास करके कम होगा। तो इसके इनलैंड वाटरवेज के कई और फायदे हैं, तो वाटरवे वन के बारे में आप इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। अगला न्यूज़ है लेस पॉल्यूटिंग फायर क्रैकर्स। देखिए CSIR ने डेवलप किया है लेस पॉल्यूटिंग फायर क्रैकर्स, और इसमें तीन क्वालिटीज़ हैं, तीन तरीके का ये फायर क्रैकर उन्होंने बनाया है, डेवलप किया है। फर्स्ट है स्वास, इसका फुल फॉर्म है सेफ वाटर रिलीजर। सेकंड है सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम यानी सफल, और तीसरा है स्टार दैट इज सेफ टर्माइट क्रैकर। तो ये तीन तरीके का ये क्रैकर उन्होंने डेवलप किया है जो कि पॉल्यूशन लेस है, पॉल्यूशन नहीं होगा उसमें, और ये बहुत यूनिक क्वालिटी का क्रैकर्स उन्होंने डेवलप किया है। जो स्वास है उसमें वाटर रिलीजिंग कैपेसिटी यानी वाटर वेपर्स जो है उसको रिलीज करेगा वो, इसके बाद जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो कम होंगे, वो रिड्यूस होंगे एटमॉस्फेयर से, राइट। दिस क्रैकर्स एलिमिनेट यूजेस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर का इस्तेमाल नहीं किया गया है स्वास को बनाने में, इसको एलिमिनेट किया गया है। तो ये कई बार आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि क्रैकर्स में किस किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। सेकेंड स्टार की बात करते हैं, स्टार एलिमिनेट यूजेज ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट ऑल्सो एंड सल्फर विद अ कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स SO2 एंड NOx। तो इसमें SO2 और NOx को भी हटाया गया है, एंड इट हैज़ मैचिंग साउंड इंटेंसिटी। तो इसमें जो साउंड, एक्चुअली हम साउंड के लिए ही क्रैकर्स को जलाते हैं, तो इसमें उससे उसको मैच करने की कोशिश की गई है। और तीसरा है सफल, सफल में एल्यूमिनियम का बहुत कम इस्तेमाल किया गया है, मिनिमम यूज़ किया गया है एल्यूमिनियम का, विद द कंसिक्वेंट सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स। और ये कोशिश की गई है कि पार्टिकुलेट मैटर्स की संख्या ज़्यादा ना हो और उसके उसको रिड्यूस किया जा सके एटमॉस्फेयर से। अगला न्यूज़ है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS। देखिए कॉन्फ्रेंस है, इसको अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में।
तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, यूपीएससी में तो नहीं बट जो अदर एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था, कौन सी सिटी में या कौन से स्टेट में हुआ था। तो ये कॉन्फ्रेंस अभी दिल्ली में हो रहा है, न्यू दिल्ली में, CCTNS, दैट इज़ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। गुड प्रैक्टिस एंड सक्सेस स्टोरीज इसमें बताए जा रहे हैं इन कॉन्फ्रेंसेस में, एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट क्या है और कैसे काम करती है, देखिए। इसमें ये जो नेटवर्क है, इट इज़ अ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन जून 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था, एक बेहतर पॉलिसिंग सिस्टम को लाने के लिए, ठीक है। जो पुलिस स्टेशन का लेवल है उसको और इफ़िशेंसी इसमें लेके आना, इफेक्टिवनेस को बढ़ाना, और ये इसका पूरा एम था इस सिस्टम का। एंड दिस विल बी डन थ्रू अडॉप्टिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ई गवर्नेंस। प्रिंसिपल ऑफ ई गवर्नेंस को अडॉप्ट करके इस नेटवर्क को स्टार्ट किया गया था, एंड इट इज़ अ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है नेशनल ई गवर्नेंस, उसके बेसिस पर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। बेनिफिट होते हैं तो द प्रोजेक्ट विल इंटरकनेक्टेड अबाउट 15,000 पुलिस स्टेशंस। इसमें पुलिस स्टेशंस की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। एडिशनल 5,000 ऑफिसर्स ऑफ सुपरवाइजरी पुलिस ऑफिसर्स, तो इसमें पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको भी एक दूसरे से मिलाया जाता है, और किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, FIR रजिस्ट्रेशन करते हैं, इन सभी चीज़ों का इसमें ब्यौरा लिया जाता है। और पूरा डिजिटाइज होता है ये, यानी जितना भी उनके पास डाटा होगा FIR का या चार्जशीट होंगे उनको, वो तो सारा उनको डिजिटाइज करना होगा और एक दूसरे स्टेशन्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो। एंड इट विल नॉट ओनली ऑटोमेट पुलिस फंक्शन बट ऑल्सो पुलिस स्टेशन एंड हायर लेवल, दे विल क्रिएट अ फैसिलिटीज एंड मैकेनिज्म टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। तो जाहिर सी बात है, पब्लिक सर्विसेज को और बेहतर करने के लिए और पुलिस को अवेयर करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया था। तो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी वॉचिंग डिस्कशन। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।